तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार हमने बता दिया 14 से 18 विधि समक्ष समानता, धर्म जाति रंग नस्ल रंग बुद्ध के आधार पर भेदभाव, लोक नियोजन में अवसर की समानता, आरक्षण की व्यवस्था 16-4 में, 17 में अस्पष्टता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत, इसके बारे में हमने बताया। अब जो है हम क्या करते हैं, समानता के अधिकार के बाद में अब हम अगला स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये क्या, तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19 से 22 तक के आर्टिकल में दिया गया। कौन से आर्टिकल में? स्वतंत्रता का बारे में भी होता है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार आर्टिकल नंबर हमने क्या बताया बेटा, आर्टिकल नंबर 19 से 22। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर आपको दी है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने आप अपनी स्वइच्छा से बोल सकते हो, आप अपनी स्वइच्छा से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात सरकार के समक्ष, जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष आप रख सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार, ठीक है, अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार यहां पर आपको, ठीक है। तो आगे इसके अंतर्गत बहुत सारे जो और भी 8 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 19A नाम का एक आर्टिकल है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। इस बोलने की स्वतंत्रता में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी बात, जैसे कि आपने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार एक एक्ट आया है, तो सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके बाद आप जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है, यानी कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता। और आप जानते हैं कि हमारी संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है, जिसमें एक हम कहते हैं संसद के 3 अंग यानी 3 स्तंभ कौन से हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन चौथा जो चतुर्थ जो हम कहते हैं स्तंभ है, वो हमने जो है प्रेस को हमने क्या माना है, संसद का चतुर्थ स्तंभ। तो यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आपको। अब स्वाभाविक सी बात है कि यदि आपको बोलने का अधिकार है तो आप शांति पूर्वक बिना हथियार के, शांति पूर्वक बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, कि कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से वो क्या करता है, बिना हथियार के यदि वो सभा का आयोजन करता है तो उसको आजादी है, तो उसको क्या है बेटा, स्वतंत्रता है। समझ पा रहे हैं बात को? अगला जो है हमारे पास, जब हमने क्या कर दिया कि शांतिपूर्वक सभा कर ली, तो हमें क्या होगा, संगठन बनाने का अधिकार प्रदान किया, क्या बेटा, तो संगठन बनाने का अधिकार। ध्यान देना, जो भारतीय संविधान है इसके तहत आपको संगठन बनाने का अधिकार दे दिया आपके आर्टिकल 19C के तहत, आर्टिकल 19C के तहत। अब आर्टिकल 19C के बाद आता है 19B, और इसके अंतर्गत क्या कहा कि जो भारतीय संविधान के लोग हैं, ये क्या है के अंतर्गत भारतीय संविधान में, कि जो भारत के लोग हैं ये आवागमन की सुविधा होगी, कि बिना किसी रोकता रोक टोक के
भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाम गमन की स्वतंत्रता होगी। आवाम माने संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अधिकार या स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति भारत के उत्तरी बिंदु यानी कि उत्तर कोने यानी कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश से लेकर पोरबंदर गुजरात तक कहीं भी आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूम सकते हैं। आपको घूमने के लिए आजादी दी गई है आवागमन की स्वतंत्रता। यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है, ठीक है। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये हमारे क्या है जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर निषेध किया गया क्योंकि आपके कारण क्या होता है कि वहां पर समस्या आ जाती है लोगों को, वहां के निवासियों को मिल जाता है। फिर इसके बाद में ई के बाद में जो है डी के बाद में ई आता है, तो हम देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की ठीक है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता जो है वो क्या है आर्टिकल नंबर 19 ई में। अब जैसा मैंने पिछली इसमें बताया कि भैया जो हमें मौलिक अधिकार थे वो 7 प्राप्त थे, उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था आपको बताया। तो जो 19 एफ है ये है संपत्ति का अधिकार यानी कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 19 एफ है इसमें वर्णित, इसको क्या किया गया मैंने आपको बताया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या बना दिया गया कानूनी अधिकार कर दिया गया और ये आर्टिकल नंबर 300 में इसका वर्णन किया गया, इसमें 300 इसको कानूनी अधिकार। तो आर्टिकल नंबर ई का जो एफ 19 एफ है ये क्या कर दिया गया आपके स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया आपको ये था। आर्टिकल नंबर 19 के बाद में एफ के बाद में आता है जी 19। आप जीबी का उपार्जन का अधिकार, कहने का मतलब आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय रोजगार आदि करने की आपको क्या है बेटा स्वतंत्रता है। जीवन यापन करने के लिए आप क्या करेंगे व्यवसाय करेंगे या नहीं करेंगे बताइए, किसी भी व्यापार या जीविका चलाने की आपको स्वतंत्रता, व्यापार या जीविका मतलब आपको जीवन जीना है तो भोजन प्राप्त करना है तो रोटी कपड़ा मकान जो अपनी मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे काम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाके आप काम करेंगे आपको क्या मिलेगा रोजगार मिल जाएगा, आप व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी स्वतंत्रता के अधिकार का कौन सा भाग है आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19 एवं अभिव्यक्ति की ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है तो आप इसको ध्यान में रखें, फिर से दोहरा देता हूं आर्टिकल नंबर 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस और आरटीआई की स्वतंत्रता, 19 बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, 19 सी में आपके संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19 ई में किसी भी देश भारत के किसी पहले क्या थे जम्मू कश्मीर आज राज्य में
370 नंबर की धारा लगाई गई थी, लेकिन 370 नंबर की धारा हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी भारतीय अन्य जो राज्य के लोग हैं वो निवास कर सकते हैं, भूमि संपत्ति का अर्जन वहां पर कर सकते हैं। तो 19E के बाद में 19F में जो मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार जो आपके कानूनी अधिकार का दर्जा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 19G में हमने बताया जीविका उपार्जन की, मतलब जीविका उपार्जन आप जीविका को कैसे चलाए, व्यापार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप जीविका का क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आप पूछ सकते हैं मुझसे, यहां से एक क्वेश्चन बनता है,